नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ पर आए तो फिंगर की लेंथ जो है कंपेरेटिवली पूरे पाम के कंपेरिजन में अच्छी देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट लिटिल फिंगर को छोड़ के। तो जब इस प्रकार की लंबी फिंगर होती है पाम के कंपैरिजन में, तो एनालिटिकल पर्सनैलिटी ऐसे लोगों में अच्छी देखने को मिलती है। एक जो पेशेंस लेवल होता है, या हम कह सकते हैं जो एक सब्र होता है, वो भी अच्छा देखने को मिलता है। यानी कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही एनालाइज करना, हर बात की जानकारी, बारीक परख रखना, हर बात की जड़ तक जाना, ये नेचर जो है इनमें देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट रह गई, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँची, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होता है, वीक होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने मन के अंदर ही बात को दबा लेते हैं, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती ही है। स्टेज फेयर टाइप या फिर जितने भी चीज़ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उसमें प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ लाइफ में देखने को मिलता है कि थोड़ा आलस भी जो है कहीं ना कहीं हावी होता हुआ देखने को मिलता है। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाना, ये एक कमी देखने को मिलती है। थर्ड फिंगर फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, थर्ड फिंगर की लेंथ जो है ज़्यादा है, जिसके कारण सन की क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। रिस्क बहुत लेते हैं ऐसे लोग अपने लाइफ में। आत्मविश्वास जो है इनके अंदर जो है अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है। किसी चीज़ की चाहत या जो एक आत्मविश्वास जो कहा जाता है, किसी चीज़ को पाने की बस ठानने की देरी है, वो चीज़ उनको मिलेगा ही मिलेगा, आज या फिर कल। तो ये थी थोड़ी अलग बात हो गई, लेकिन अगर नॉर्मल मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। सोसाइटी में अच्छा स्टेटस होता है। रॉयल्टी अपने लाइफ में ऐसे लोग रखना पसंद करते हैं। ऊँचे ऊँचे लोगों के साथ संबंध ऐसे लोगों के होते हैं। थोड़ी सी गैप मेंटेन हो रही, बहुत हल्की सी, तो हल्का सा इंडिपेंडेंस ही रहेगा, मतलब इनको चाहिए रहेगा लाइफ में। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल रही है, जो फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है। तो फ्रेंडली नेचर रहेगा, आसानी से रिलेशन जो है बना लेंगे, रिलेशन लंबा चलने वाला भी रहेगा। फिर अंगूठे के क्षेत्र पर आते हैं तो अंगूठा जो है शॉर्ट है, जो लाइफ में बताता है कि ये लाइफ में बहुत प्लानिंग करेंगे, और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी जो है ऐसे लोग बहुत लाते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल नेचर होता है और मेंटेलिटी जो कि समय अनुसार जो है परिवर्तित होती रहती है। यानी ये समय अनुसार या फिर माहौल के अनुसार जो है बहुत आसानी से ऐसे लोग जो है ढल जाने वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन डिसीजन चेंज करना या फिर उसमें परिवर्तन करना सही नहीं माना जाता। यव का चिन्ह भी यहाँ पर जो है इस प्रकार से बन रहा है, जो इंटेलिजेंसी को शो करता है कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छा स्टडी में स्कोप होता है सब सक्सेस पाने का। फिर यहाँ पर हम आते हैं इनके हाथ के आकार के ऊपर, तो इस प्रकार से एक आउटकर्व मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये जो आउटकर्व है थोड़ा जो है चौड़ाई में अच्छा है, जिसके कारण ऐसे लोग मेहनती भी जो है देखने को मिलते हैं। आलसपन थोड़ा दिख ही रहा है यहाँ पे। गुरु को के क्षेत्र से हृदय रेखा भी प्रारंभ हुई है, जो आराम की तरफ ज़्यादा खिंचाव इनका रखेगा, लेकिन जब मेहनत की बारी आएगी तो बहुत मेहनती भी ऐसे लोग साबित होते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं एवं पर्वत के बारे में आपको जो है जानकारी दूंगा। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करता हूँ सर्वप्रथम। तो इस पिक में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी जो अनदर पिक थे उसमें मैंने देखा था कि यहाँ पे जो है गुरुवल्या की यहाँ पर जो है आकृति बनते हुए देखने को मिल रही थी। तो गुरुवल्या की आकृति सर्वप्रथम धार्मिकता को व्यक्त करती है, यानी ऐसे व्यक्ति जो भी जिस भी धर्म कास्ट रिलीजन के उनके इनका जो है उनके प्रति मान सम्मान आदर प्रदान बहुत रहता है, बस दिखाते नहीं हैं, धार्मिक बहुत होते हैं। दयालुपन भी ऐसे लोगों में बहुत होता है, दयावान होते हैं, और देखने को मिलता है कि एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग भी जो है होता है। गुरु जब अच्छा हो तो पारिवारिक जीवन भी सुखद जो है साबित होता है। पारिवारिक जीवन सुखद साबित होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन का आरंभ जो है वो थोड़ा देरी से रहने वाला रहेगा। शनि के क्षेत्र पर आइए तो शनि जो है यहाँ पर जो है कमज़ोर है, कमज़ोर यानी दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चिंताएं, कष्ट, दिक्कत, परेशानी, कार्यों में अवरोध, या खुद के द्वारा ही कुछ कुछ ऐसे कार्य उत्पन्न कर देना जो कि मानसिक तनाव, कष्ट, दिक्कत, परेशानी दे एवं कार्यों में देरी, ये सब होना तय है। और ये सब जो है लाइफ में मतलब पग पग पर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर की तरफ से जब शनि पर्वत झुकता है तो ऐसे लोगों को थोड़े से ज़्यादा ही एफर्ट्स करने पड़ जाते हैं अपना ड्रीम अचीव करने में। आते हैं यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र में, तो सूर्य का क्षेत्र जो है थोड़ा नॉर्मल स्पेस ले रहा है, इतना अच्छा नहीं, और यहाँ जो है बाहरी मंगल की ओर से एक रेखा निकल के जा रही है ऊपर की ओर,
तो सरकारी नौकरी होने के योग बहुत प्रबल हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के योग बहुत ब्राइट है। शनि के कारण कार्यों में देरी होगी, यानी हर चीज़ मिलने में थोड़ी देरी रहेगी, जैसे जॉब हुआ, लाइफ में सेटिस्फेक्शन जो मेनली है वो, शादी एंड ऑल, घर बसने में भी, इन सब में थोड़ी देरी रहेगी। अदरवाइज जो इंडिकेशन है वो बहुत अच्छे हैं, और गुरु की तरफ झुकाव होने के कारण पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बहुत प्रबल है। तो यहाँ जो है सूर्य जो है यहाँ पे अच्छे इंडिकेशंस देता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो मरकरी है यहाँ पे, मरकरी जो है नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ही बात दबाते हैं, एक्सप्रेस कर पाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी आपको दूसरों के सामने अपनी बात को रखने में। आते हैं हृदय रेखा के ऊपर सीधे, तो हृदय रेखा जो है इस प्रकार से गुरु से जो है यहाँ पर जो है प्रारंभ हो रही है इस प्रकार से, और विष्णु सिंबल जो है हल्का सा इस प्रकार से बनाते हुए जा रही है, ऑफ शूट्स इसके इस प्रकार से निकल रहे हैं, और ये रेखा फिर जो है इस प्रकार से निकलते हुए आगे तक जा रही है। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ होने के कारण ही भावुकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और झुकाव जो है शनि की तरफ भी है, तो पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक आप रहेंगे। ऐसे लोगों की पूरे दिनचर्या या फिर जीवन भर पैसा 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 जो है दिमाग में चलता रहता है, सेल्फ फोकस या करियर फोकस जो है थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन भावुकता भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रहेगी। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है स्वास्थ्य रेखा, जिसके कारण आराम प्रिय बहुत रहेंगे जीवन में, आराम प्रिय सुख सुविधा एक बहुत मेन मोटिव रहेगा आपका, लक्ष्य रहेगा जीवन में, जो भी चीज़ हासिल करना चाहेंगे इसी के लिए। और जहाँ तक हेल्थ के विषय में मैं चर्चा करूँ, तो हेल्थ में मुझे ज़्यादा कुछ इश्यूज और ट्रबल नहीं देखने को मिल रहा है, हेल्थ तकरीबन ठीक है। यहाँ से एक रेखा जो निकल के सीधे हल्की हल्की इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो ये कार्य के प्रति फोकस नेचर को भी बताती है कि जो आप करियर फोकस रहेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। माइंड लाइन पर आता है, तो माइंड लाइन जो है इस प्रकार से निकल के डिक्लाइन होते हुए सीधे जो है चंद्र के एरिया तक जा रही है, तो काल्पनिकता जो है आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, यानी इमेजिनेशन स्किल जो है आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली रहेगी, थोड़ा ज़्यादा जो है सोचने विचारने वाला नेचर रहेगा, हर बात के जो है जड़ तक जाना। एक कहावत है कि तिल का तार करना, राय का पहाड़ कर देना, तो थोड़ा बातों को खींचने या फिर उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगना, या डे ड्रीमर भी जो है हम कह सकते हैं, तो ये जितने भी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला रहेगा। मतलब ये है कि लोगों से बात भी करना है तो थोड़ा कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके या फिर सीधे टू द पॉइंट बात करने में भी सक्षम नहीं रह पाते हैं, ये देखने को मिलता है। अदरवाइज ऐसे फील्ड में बहुत बेहतरीन सक्सेस मिलता है जिसमें आपके कल्पनाओं की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, जैसे डायरेक्टिंग हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, पोएट्री, या फिर ऐसे किसी भी फील्ड जिसमें आप अपनी कल्पनाओं का यूज़ कर सकते हैं, उस क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस मिलता है। खासकर व्यापार में भी जो है प्रोग्रेस ऐसे लोगों का जो है देखने को मिलता है। अदरवाइज माइंड लाइन और बारीकी से अगर देखूँ तो मुझे इसमें भी कुछ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम या आइलैंड ऐसा कुछ भी खराबी नहीं दिख रहा है, तो स्टेबल जो है तकरीबन माइंड लाइन रहेगा, क्योंकि इसमें से एक रेखा निकल के जो है सीधे जा रही है, जो मेंटली स्ट्रांग होने की निशानी होती है, जो ये शो करती है कि व्यक्ति हर सिचुएशन को हैंडल कर लेने वाला, हर सिचुएशन जो है से जो है निकल जाने वाला देखने को मिलता है। आते हैं लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन जो है इस प्रकार से चल रही है, फिर हल्की हल्की जो है मंगल की ओर से ही इस प्रकार से जो है लाइफ लाइन फिर वापस से स्टार्ट हो रही है। तो मंगल जो है थोड़ी जीवन में हड़बड़ी व जल्दबाजी का चिन्ह माना जाता है, तो ये जो है जीवन में परिवर्तन योग जो है 2 से 3 बार रहने वाला है, एक टीन एज में, देन उसके बाद एक जो है तकरीबन 24-25 एज के क्रॉस में आने के बाद जीवन में बदलाव होगा, और ये बदलाव आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बेनिफिशियल यानी कैसे, कि जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, रॉयल्टी बढ़ेगी, जो पहले आप जीते थे उससे कई गुना ज़्यादा अब जीना प्रारंभ करेंगे, और जो लाइफ लाइन भी है वो भी तकरीबन यहाँ पे स्मूथ है, और यहाँ पर इस प्रकार के जो बाहर की ओर रेखा निकल रही है ये फॉरेन ट्रेवलिंग के चांसेस को बहुत स्ट्रांग करती है, तो विदेश जाने का योग भी जो है यहाँ बहुत प्रबल है। अब कुछ डिमेरिट्स यहाँ पर लाइन है, उसके बारे में आपको जो है इंडिकेट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। डिमेरिट्स लाइन है जो हल्की 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 सी ये काट रही है रेखा, यही डिमेरिट्स लाइन होती है, यानी कष्टदायक रेखा, जो कि कहीं ना कहीं टेंशन्स, प्रॉब्लम्स को और अचानक से होने वाली दिक्कत परेशानियों को इंडिकेट यहाँ पर जो है करती है। ये आपको देखना रहेगा तकरीबन 30s केज में, बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। एक छोटा सा एकदम रेखा भी यहाँ पर जो है एकदम से कटते हुए देखने को मिल रही है, जो कि उम्र यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है 31 से 32 के बीच में। उसी के बाद से जो है एक अच्छा ऑफ जो है यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जो सक्सेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है, झुकाव जो है गुरु की तरफ है, तो बहुत बिग अचीवमेंट्स कुछ ना कुछ रहने वाला रहेगा। फिर उसके बाद हल्की हल्की सी जो है नीचे की ओर रेखा जा रही है, तो एक दो रेखा जो ये नीचे जा रही है, यही डिप्रेशन लाइन है, हल्का सा आइलैंड भी यहाँ पर बन रहा है,
तो इसके मैं रेमेडीज आपको दे दूंगा क्या करने रहेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये रेखाएं जो हैं मंगल और राहु की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके कारण पारिवारिक जीवन से के साथ साथ अचानक से होने वाली घटनाओं को भी ये व्यक्त करता है। डराना मेरा कोई मकसद नहीं है, जो फैक्ट है वही बताना चाहूँगा, और रेमेडीज जो मैं दूंगा वो आपको नियमित तौर पे करने रहेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, खासकर शनि के तो और ज़्यादा ही आपको जो है करने चाहिए। शनि इतना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये भाग्य का दरवाज़ा होता है। हाथ में हस्तरेखा में आपका जो करियर है, आपका जो पैशन रहेगा, आपको जो फेट वेल्थ लक है मनी है जितना भी है, वो ज़्यादातर शनि से ही डिनोट किया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली कर्म स्थान भी होता है और इसके इम्पैक्ट जो है ज़्यादा रहते हैं। और आपके हाथ में जो है सूर्य बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला, तो आपको शासन के तरफ से तो बहुत अच्छा लाभ मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो हर काम में जो देरी रहेगी, बाधाएं रहेंगी, वो एक तो ये भी रीज़न है बहुत बड़ा, और ऊपर से दूसरा ये भी है, तो इन दोनों के उपाय मैं आपको दूंगा। अदरवाइज जो अंदरूनी मंगल है वो नॉर्मल है, ठीक ठाक स्पेस ले रहा है, बाहरी मंगल अच्छा है, जिसके कारण शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और आप शत्रु पर विजय पाने वाले रहेंगे। जो आपका शुक्र पर्वत है ये दूषित है, यानी सही नहीं है, तो जब शुक्र पर्वत इस प्रकार से ख़राब होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और इस पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये अनावश्यक चिंताएं रेखा होती है, ये अननेसेसरीज वरीज लाइन होती है, जो यही इंडिकेट करती है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो होती ही रहेगा, जो कि आपको मानसिक तनाव, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड टेंशन, धन की हानि और जो घर बसना है उसमें देरी, इन सब चिन्हों को ये व्यक्त करता है। ये थोड़ा सा जो है शुक्र क्या डिनोट करता है, शुक्र बताता है सुंदरता व्यक्ति की, व्यक्ति का अट्रैक्शन, सुख सुविधा, धन, वैभव, साथ ही साथ जो लाइफ में उसका पैशन रहेगा वो जीने की इच्छा, और लाइफ में कितनी सुख सुविधा है, लग्जरियस लाइफ किस प्रकार की उसकी जो है रहने वाली रहेगी, गाड़ी बंगला, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शुक्र से ही डिनोट होती है। फैशन, जो भी व्यक्ति अपने आप में डेकोरेशन करता है, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में जो है प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो इसलिए इसके भी रेमेडीज़ मैं आपको दूंगा और सब इस कारण से सही हो जाएगा। आपके हाथ में दो प्रकार की भाग्य रेखा है, एक इस प्रकार से निकलते हुए बुध की तरफ चल गई है और एक चंद्र की ओर से निकलते हुए हल्की हल्की सी डायरेक्शन, इसका झुकाव जो है गुरु की तरफ है और आगे बढ़ रही है, फिर एक और अनदर लक लाइन इस प्रकार से निकल के चल रही है, थोड़ी सी टूट टूट करके जो है चल रही है, लेकिन एक जो लक लाइन है बहुत प्रोमिनेंट है, ये बिजनेस लक लाइन है। तो सोबत की एक बात, व्यापार के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी आपकी उन्नति रहने वाली रहेगी, अगर व्यापार के क्षेत्र में चल गए तो पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा, बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस है, और यही रीज़न है कि बहुत बिग मनी ट्रायंगल का स्वरूप यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर गैप है तो ये चीज़ नहीं है, अदरवाइज फोटो में नहीं ये शो हो रहा है, लेकिन तब भी ये मनी ट्रायंगल बनना बहुत शुभ माना जाता है। धन के मामले में बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली देखने को मिलते हैं, धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है, टिकता भी है, बसता भी है। और वहीं चंद्र की ओर से भाग्य रेखा का निकलना बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सहयोग को व्यक्त करता है, भाग्य का कहीं ना कहीं सहयोग रहेगा, जीवन में जितना भी कष्ट, दिक्कत, परेशानी आ जाए, जब भी आपको किसी दूसरे या तीसरे जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उसके तरफ से सहयोग आपको मिल ही तकरीबन जो है जाएगा। भले ही गार्जियन एंजल लाइन नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है थोड़ा लेट से, तकरीबन 37-38 के एज के आसपास से, और प्रोफेशन में भी चेंजेस होते हुए 36 के आसपास में ही देखने को मिल रहा है, और वो जो सेकंड प्रोफेशन में आप जाएंगे उसमें स्टेबिलिटी और सक्सेस आपको जो है रहने वाला रहेगा। अदरवाइज मैरिज के योग भी एक जो है ऑप्शन बेहतरीन यहाँ पर जो है निकला हुआ है, तकरीबन 32 के एज के आसपास में, 31 से 32 के एज के आसपास में जो है मैरिज के योग बहुत ब्राइट है। हल्की सी एक गार्जियन एंजल लाइन भी जो है इस प्रकार से प्रारंभ हो रही है, मंगल रेखा भी, तो ये भी सपोर्ट को ही शो करती है, तो उसके बाद से सपोर्ट मिल रहा है, यानी शादी का योग भी वही है, और उसके बाद से लाइफ में बहुत सुधार आएगा, क्योंकि जो चंद्र रेखा होती है, ये चंद्र लग जो होता है, ये स्पाउस की तरफ और उनके घर वालों के होने वाले तरफ से बेनिफिट्स को भी इंडिकेट करता है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और शादी के बाद बहुत प्रोग्रेस लाइफ में रहने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बात, क्या बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब